दोस्तों Redmi 9 पावर डिवाइस में Redmi की तरफ से MIUI 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडियन यूजर्स के लिए ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इसी न्यू अपडेट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। वेल दोस्तों Redmi 9 पावर डिवाइस में Redmi की तरफ से MIUI 12.5.11.0 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है एंड इस अपडेट का साइज आपको 223 MB देखने को मिलेगा। वैसे हम सभी यहाँ पे MIUI 13 का वेट कर रहे हैं और पता नहीं Redmi वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे MIUI 12 का अपडेट को चिपका ही जा रहे हैं और यहाँ पे हमें MIUI 13 का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि आपको यहाँ पे MIUI 13 का फर्स्ट अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और उसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शनों को लिंक देखने को मिल जाएगा, अब वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में अक्टूबर 2022 के मंथ का सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे नवंबर 2022 का मंथ भी अब खत्म होने वाला है और यहाँ पे Redmi वाले अक्टूबर 2022 के मंथ का सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी Redmi 9 पावर डिवाइस में। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी को इंक्रीज किया गया है, साथ ही परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। तो डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में आपको काफी हद तक यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर अबाउट फोन में चले जाना है, लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 12.5.11.0 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट देखने को नहीं मिला तो टेंशन की बात नहीं है, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, तब जाकर आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। तो दोस्तों बस ये सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।